आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है अपना। अब बजे हैं 6, शाम के 6 बज चुके हैं। तो मैंने सबसे पहले इसके पापा के लिए हरी दाल भिगो दी है, मूंग की दाल जो होती है वो भिगो दी है। ये 15-20 मिनट के लिए तो नहीं, आधा घंटा तक भिगोऊंगी, क्योंकि मुझे और काम भी है, तो ये जब तक भिगी रहेगी। तो जी, अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि आज चाय पीने का टाइम नहीं लगा मेरे को, तो थोड़ा सा मन कर रहा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बहुत ठंडी का मौसम हो चुका है फिर से, तो इसलिए थोड़ी सी अपने लिए मैं अदरक वाली चाय बनाऊंगी। और इधर मैंने दाल भिगो दी है, और मेरी चक्की भी चल रही है साथ साथ, तो मैं खुशी को बोल रही हूँ, एक बार देख क्या झटका क्या हो, जैसे इतनी आटा निकाल आगे से फंस ना जाए चक्की में। तो मैं इधर मलाई जमाने की भी, यानी कि घी बनाने की, जो सुबह घी बिलोते मक्खन बनाते हैं, तो ये दूध जमाने की भी तैयारी कर रही हूँ अलग से, दही जमाने की, वही रूटीन है दूध गर्म करना बच्चों के लिए। तो ये सारे काम मैं अब अपने यहाँ पे कर लूँगी साथ साथ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी दूध वाला काम जो होता है, मलाई जमाना, दही जमाना अलग से, और दूध गर्म करना, ये अभी से काम मैं कर दूँगी। इधर मेरी चाय बन रही है, अब पानी गर्म हो चुका है, तो मैंने अपनी पत्ती डाल दी। तो अभी 2-4 बर्तन लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तनों की ज़रूरत है, इसके अंदर से मुझे मिल नहीं रहे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। एक एक काम, तीन तीन काम, 4-4 काम साथ साथ करती हूँ, जैसे चक्की इधर चल रही है, इधर दूध का करूँगी, इधर चाय बन रही है, फिर सब्जी अलग से बनानी है बच्चों के लिए। तो जी, ये सब कर लेती है आज, मैंने थैली में इनको ट्रांसफ़र नहीं कर पाई है, मैं करूँगी इसको डालूंगी। तो जी, मेरी चाय बन चुकी है, लो आप भी पी लो, ठंडे का मौसम है, मैं ऐसे ही बोल रही थी आप सबसे। तो जी, मैं चाय छान देती हूँ और फिर जाऊँगी चक्की वाले में, पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी लगता है मेरे को, क्योंकि चक्की पे कोई आया है। तो इधर पता नहीं खुशी क्या कह रही थी, मुझे यह ध्यान नहीं है, इनकी सबकी अपनी अलग अलग फरमाइश होती है, ये अलग करती है, आर्यन अलग करता है, वासु अलग करता है, मतलब इनकी फरमाइश से सुन सुन के दिमाग पक जाता है। तो जी, इधर मेरा दूध गर्म हो चुका है मलाई वाला, और मैंने अपनी चाय भी छान दी है आपसे बातें करते करते। तो जी, अब मैंने करनी है सब्जी की तैयारी, जो आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ मैं सब्जी। तो जैसे ही मैं अपने यहाँ मटर रख के गई चक्की वाले में, तो इधर वासु ने पूरा बुरा हाल मचा दिया, तो मैं कहती हूँ मैं चक्की वाले में मुझे टाइम लगेगा, तो इसने पूरी मटर उठा उठा के इसके दाने निकाल निकाल के फेंक फेंक मारे हैं, इसको पता है अंदर से फिर क्या मैं बनाऊंगी आके चक्की वाले में से। तो ये देखो कैसे मटर फेंक रहा है, और मैं चक्की वाले में थी, मुझे पता नहीं था ये पीछे से मेरे फ़ोन लेके ऐसा कुछ करेंगे दोनों, खुशी हो रहा वासु है ये, और तो खैर ये सब नहीं करता। तो इसने बहुत सारी मटरें मेरी ऐसे निकाल निकाल के जमीन पे फेंक दी, तो वो किस काम की अब। तो जी चलिए, अब मैं बनाती हूँ सब्जी, बनाने की तैयारी करती हूँ मैं। अब जैसे मैं अब मटर निकालने लग गई थी, तो मैं चक्की वाले में गई थी, तो पूरा झटका झटकू किसी काटा दे दे के तो मैं आ गई थी। तो जी, अभी दूर कैमरा है आपके पास से दिखाती हूँ मैं, अभी रखा है ये कहीं पे। तो इधर मैं मटर निकाल रही थी, यानी कि सब्जी बनाने की तैयारी करने लग गई थी मैं। अब आलू और मटर की सब्जी बनाऊंगी आज, देखना मैं कैसे बनाती हूँ। तो आलू मटर की सब्जी भी हम 2-3 तरीके से बनाते हैं, आज आपको एक तरीका दिखा रही हूँ। तो जी, सबसे पहले मैं आराम आराम से अपने मटर छील रही हूँ, ये वासु ने तो पूरा परेशान कर रखा है, इसको मटर दिख रही खिलो ना, ताकि इसके सारे दाने निकाल निकाल के फेंक फेंक के खेल रहा है ये मटर के साथ, ये इसका खेल है आज का। तो जी, मेरी मटर छिलने वाली है, उधर चक्की भी चल रही है, तो उधर से आदमी भी आ रहे हैं, तो ये काम करते दूसरा काम बिगड़ता है। जैसे ही मैं चक्की वाले में गई, तो इधर मैंने दूध रखा था गैस के ऊपर मलाई वाला, तो वो सारा निकल गया मेरा। तो जी चलिए, अब सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने तेल गर्म कर लिया था, जीरा डाल दिया है मैंने, और जरा सी हींग डालती हूँ सब्जी के अंदर, वो तो आपको पता ही है मैं डालती हूँ। देखो, मेरा जर्सी के स्वेटर के ऊपर भी मेरी आटा लगा हुआ है, ये मुझे ध्यान नहीं था, सॉरी। तो जी, अब मैंने डाल दी प्याज, इधर मैं अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची को कूट रही हूँ, ये मैं कूट के ही डालती हूँ अक्सर, क्योंकि इसके पापा तो आज सब्जी खाएंगे नहीं, उनके लिए दाल बननी है, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से अपनी अलग सब्जी बनाऊँगी आज मैं। तो जी देखिए, ये मैंने प्याज डाल रखे बिल्कुल,
बीच वाले हो चुके हैं, ना भूरे हैं ना जले हुए हैं, बिल्कुल अच्छे वाले प्याज हो चुके हैं। तो इधर मैं डाल दूंगी अब लहसुन और अदरक, ताकि ये भी भुन सके, क्योंकि प्याज के अंदर डालने से ही भुनता अच्छे से अदरक और लहसुन। तो जी मैंने डाल दिया अदरक लहसुन, अब इनको भी 2 मिनट के लिए मैं भूनूंगी चलाऊंगी। तो जी ये मेरा मंदी मंदी यहाँ पे तड़का तैयार हो रहा है। तो इधर मैं अब एक मसाला तैयार करती हूँ जो मैं आज बनाऊंगी। जैसे एक 1.5 चम्मच तो लिया मैंने पिसा हुआ धनिया, और इसमें 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब मैं डाल दूंगी हल्दी, और इसी के अंदर मैं डाल दूंगी अब नमक, और ये जरा सी लाल मिर्ची और नमक, इन सब को डालने के बाद मैं इसके अंदर जरा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेती हूँ। वो आपकी मर्जी, इसके अंदर गरम मसाला भी डाल सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैंने यही मसाले डाले हैं अभी। तो जी इनको मैं अब डायरेक्टली प्याज के अंदर डाल दूंगी बिल्कुल घोल बना के। इससे क्या होएगा, इससे मसाला जलेगा भी नहीं पानी डालने से, और एक मसाला बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा प्याज के अंदर डालने से, तड़के के अंदर डालने से। तो जी चलिए अब मैं सारा मसाला इसके अंदर डाल देती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ मैं कैसा इसका वो हो जाएगा, मतलब कि कलर बदल जाएगा बिल्कुल मसाले का। बिल्कुल ये जब तक पकाऊंगी जब तक ये तेल ना छोड़ दे अच्छे से मसाला पक के। तो जी देखिए बिल्कुल तेल छोड़ चुका है मेरा मसाला, और मसाला हो चुका है रेडी। अब इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्ची और प्याज, ये यानी सॉरी टमाटर पीस रखा है वो डाल दिया है। अभी इसको भी खूब पकाऊंगी जब तक टमाटर पूरा पक ना जाएगा ना, जब तक कलर नहीं आ जाएगा, तेल इसके ऊपर नहीं आ जाएगा। देखिए ये निकल गया मेरा दूध, दिखाना था मेरे को आपके आपको। तो इधर मैं खूब चलाती हूँ टमाटर को, ताकि ये भी तेल छोड़ दे अच्छे से और टमाटर पूरा पक जाए। देखिए आप पास से दिखाती हूँ, देखना बिल्कुल। तो जी अब इसके अंदर डालती हूँ मैं जो मैंने काट रखी है आलू, और जो मैंने मटर निकाली थी वो जो मैंने सब्जी पहले ही काट के धो के रेडी कर ली थी। तो जी ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, और अब मैं पानी डालूंगी इसके अंदर 1 गिलास के करीब, जिससे ये क्या है कि सब्जी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी बन जाएगी और बहुत स्वाद बनेगी सब्जी। एक बार बना के देखना ऐसे भी। तो जी ये मैंने सब्जी का सारा जो काम होता है वो रेडी हो चुका है। तो इसको मैं अब बंद कर देती हूँ, कम से कम 4 या 5 सीटियाँ दिलाऊंगी मीडियम आंच पे। तो देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है, और इसको अब मैं निकाल देती हूँ, और इसके अंदर मैं डालूंगी अब कसूरी मेथी जो अक्सर मैं डालती हूँ। ये गर्म मसाले वाला काम करेगी, इसके अंदर अब गर्म मसाला डालने की कोई ज़रूरत नहीं है जब कसूरी मेथी डल चुकी है। तो ये देखिए ये मेरी सब्जी बन चुकी है हम सब के लिए, और इसके अब इसके पापा के लिए मैं चढ़ाऊंगी दाल, क्योंकि उनको दाल खानी है, वो तो दाल ही खाएंगे शाम को, आज बच्चों ने मना कर दिया, तो इसलिए उनके लिए आलू मटर बनाई मैंने। तो जी अब मैंने दाल भिगो रखी थी, तो इसको मैं अच्छे से धो के और अब मैं चढ़ा देती हूँ, और 3-4 सीटी इसके अंदर आएंगे, और फिर दाल का तड़का तैयार कर दूंगी मैं और छोंक दूंगी बिल्कुल सिंपल वाला। तो जी इधर मैं अब जाऊंगी चक्की वाले में, चक्की को अपना संभालूंगी, और फिर बच्चों के लिए रोटियां बनानी है और फिर दूध देना है, यही मेरा काम बाकी रह चुका है अब। तो जी चलिए आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जी बताना मेरी आलू मटर की सब्जी आपको कैसे लगी, और आप कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ बताना। और चलिए जी अब चक्की वाले में चलते हैं, उसको संभालते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कोई आदमी आ रखा है आटा लेने के लिए, पता रखने के लिए। तो ये काम मेरे को करना है जब तक मम्मी नहीं आती। तो चलिए आपको सबसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।